आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नए तरीके की बहुत ही खास्ता नमक पारा, जो कि ये बहुत ही खास्ता होता है और इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे जब देखेंगे ना तो कहेंगे कितना आसान है, पहले पता क्यों नहीं था। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में भी आप इसे खा सकते हैं। आप इसे महीने दो महीने के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसे बनाना शुरू करते हैं। एक बॉयल में मैं यहाँ पे ले ली हूँ आधा कप इस कप से गेहूँ का आटा और आधा कप ली हूँ मैदा। तो दोनों का मेजरमेंट मैंने बराबर रखी हूँ। आप तो चाहे तो केवल ये आटे से भी बना सकते हैं या तो फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, बट हमने दोनों चीज़ को मिक्स करके ले लिया है। तो चलिए इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी नमक और इसे यहाँ पे ना आधा चम्मच में ले ली हूँ अजवाइन। अगर अजवाइन का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो इस तरह से अजवाइन को मतलब हाथ से थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। और इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे गरम मसाला ले लेंगे या फिर कोई भी अदर मतलब कि जो चटपटी मसाला होता है या मैगी का मैजिक मसाला होता है वो ले लीजिए आप। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो चम्मच आटे को इसमें से हम निकाल लेंगे एक बॉयल में, इसको साइड में रख देंगे, इसे बाद में हमें यूज़ करना होगा। अब इस बचे हुए आटा में ऐड करेंगे दो चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर यहाँ पे घी भी ऐड कर सकते हैं आप। अब इसे अच्छे से पहले मॉइस्चर कर लेंगे आटे को, अच्छे से इसमें मतलब मॉइस्चर लगा लेंगे। फिर इसमें थोड़ी थोड़ी पानी ऐड करके ना इसे हमें ना इसका ना आटा गूंदना है। तो आटा हमें कैसा गूंदना है, तो आटा थोड़ा रोटी या पूरी से थोड़ा सख्त आटा इसका हमें लगाना है, बस इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब इसको हमें रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। तो जो आटे को मैंने निकाली थी ना एक कॉइल में, उसमें हम 2 चम्मच तेल लेंगे और इसका ना एक हमें पतला सा मतलब इसका हमें खोल तैयार कर लेना है, एक बेटर सा इस तरीके से हमें इसका तैयार कर लेना है। आप देख पा रहे हैं इनको अभी साइड में रखेंगे और आटे को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इनको एक बार और मसल लेते हैं हाथों से और इस तरह से ना इसका हम दो लोई काट लेंगे। तो दोनों का हमें बड़ा बड़ा इस तरीके से लोई बना लेना है। एक लोई को लेंगे और इसे ना क्या करेंगे, रोटी से थोड़ा बड़ा और रोटी से पतला इसको बेल लेंगे और गिलास की मदद से या फिर किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से कोर वाली से आप क्या कीजिए ना इस तरह से छोटी छोटी पूरी रोटी पे पूरियां काट लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे एक बड़ी रोटी से 5 पूरी बनके तैयार हुआ है। तो अब क्या करना है हमें, मैदे और तेल की जो हमने घोल बनाई थी ना उसको हमें इस पे थोड़ी थोड़ी सी रखना है पूरे पूरी पे और इस तरह से हाथ से पूरे पूरी पे हमें फैला देना है। इसे लगाने से होता क्या है कि हम जो भी नाश्ता बनाते हैं ना इस तरीके का, तो इसे लगाने से ना हमारा नाश्ता एकदम खासा बनता है और क्रिस्पी बनता है। अब पूरी पे ना इस तरह से छोटे छोटे पतले पतले कट लगा लेंगे, दोनों साइड थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह से कट लगाना है। आप देख पा रहे हैं इसे, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ। तो इसे एकदम पतला पतला आपको यहाँ पर कट लगाना है, तो इस तरीके से कट लगा लीजिएगा पूरे पूरी पे। अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से पूरी को मोड़ेंगे यानी कि रोल घुमाएंगे और इस तरह से चिपका हुआ रहता है थोड़ा, तो इसे आराम आराम से थोड़ा इसको छुड़ाएंगे और यहाँ पे हल्का सा पानी लगा करके इसको ना इसके मुंह को हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। तो चलिए अब क्या करेंगे ना, इस तरीके से हमें सारे पूरी को बना के तैयार कर लेना है। वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे अभी अभी आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरीके से हमें सारे पूरियों को मोड़ लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से सारे नमक पारे को बना करके रेडी कर ली हूँ। तो आप देख पा रही इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कोई कह नहीं सकता है कि इसे हमने हाथ से बनाया है और इतना इजी तरीके से बनाया है। इसे देख के लगता है कि कैसे बनाया है।
तो चलिए अब क्या करेंगे ना, इसे चूल्हे पे आ जाती हूँ। तो तेल को हमें गर्म कर लेना है, तो तेल को हमें ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना है, हार्ड गर्म नहीं करना है, बस इस तरीके से हल्का गर्म होना चाहिए हमारा तेल। और डालते ही सारे नमक पारे को हमें हिला देना है, डालने की संख्या हमें इस तरह से हिलाते रहना है, ताकि इससे क्या होता है ना कि नमक पारे का जो भी मतलब परत है ना, जो चिपका हुआ होता है, वो खुल जाता है एकदम से। ठीक है, तो इस तरीके से हिलाते डुलाते चलाते इसको इस तरह से फ्राई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा नमक पारा एकदम खास्ता बनेगा और एकदम क्रिस्पी बनेगा। और इसकी फ्लेम को देखिए, एकदम यहाँ पे हमें मीडियम में रखना है, मीडियम टू लो पे हमें इसको पूरा मतलब नमक पारे को हमें फ्राई करना है। तो आप देख पा रहे हैं, जब इस तरीके का कलर आ जाए ना, हमें इसके कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो नमक पारा है ना, वो थोड़ा कड़ा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हल्के कलर में हमें सारे नमक पारे को तेल से निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे हैं, हमने सारे नमक पारे को इसी तरह से फ्राई कर ली हूँ। इसके टिप्स को, इसके ट्रिक को आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। फ्राई करने के टाइम के जो भी ट्रिक है, तो आपके नमक पारे एकदम मतलब खुली खुली परत वाली और एकदम खास्ता आपका नमक पारा बनेगा। तो आई होप कि आज का ये नमक पारा का रेसिपी आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंडों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा, और इसे एक जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और ये बहुत ही खास्ता होता है फ्रेंड्स, इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं जब भी आपका मन करे। अभी बरसात के मौसम है, बरसात के मौसम में या छोटी मोटी भूख में ये चाय के साथ इसे आप खा सकते हैं। अल्लाह।